नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उस पर नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कोविशील्ड के बाद स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी। कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की हरी झंडी। कल सुबह 11 बजे DCGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन। डमी वैक्सीनेशन में सामने आई असली समस्याएं। बूथ पर बीमार आदमी की पहचान की व्यवस्था नहीं। 4 जनवरी को बैठक से पहले किसानों का मंथन। बैठक में नहीं बनी बात तो जारी रहेगा आंदोलन। सिंधू बॉर्डर पर कड़ाके की ठंड में डटे हैं किसान। बिलासपुर में दर्दनाक हादसा। युवती को अस्पताल ले जा रही कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 3 युवकों की मौत। पांच सूत्री मांगों को लेकर रायपुर कर्मचारी संघ ने दिया धरना। कई महीनों से कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन। मांगों को लेकर खोला मोर्चा। जसपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा चोर गिरोह। फर्जी RC व बीमा बनाकर बेचते थे बाइक। पुलिस ने 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर रायपुर से। जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री तामध्वज साहू ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में आज वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ, जहां रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, बस्तर और गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में शामिल रहे। वहीं सरगुजा जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी PS सिसोदिया ने बताया कि सरगुजा जिले में 3 जगह वैक्सीनेशन ड्राई रन हुआ है, जिसमें एक सेंटर में 25 लोगों का ट्रायल किया गया। इधर वैक्सीनेशन ड्राई रन के बाद सरगुजा जिले में 85 सेंटर बनाए जाएंगे, जहां एक दिन में 100 लोगों का वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा जाएगा। इस सेंटर का निरीक्षण कलेक्टर संजीव कुमार झा ने किया। वर्ष 2021 में अब कोरोना वायरस को मारने का वक्त आ चुका है, उसको हराने का वक्त आ चुका है। इसके लिए पूरे देश में और पूरे संभाग में और पूरे ज़िले में हमारे पास में जो कोरोना का वैक्सीन है, जो कि जल्द ही उपलब्ध होने की संभावना है, और लगाया जाना है सभी व्यक्तियों को। उसके लिए प्रथम चरण में हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको लगाया जाएगा, जिसमें मितानिन हेल्थ वर्कर प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के और मितानिन से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इन लोगों को लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ जिले में 3 स्कूलों में COVID-19 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें पदुमल पुन्नालाल बख्शी स्कूल, शंकरपुर हाई स्कूल और डोंगरागर खालसा हाई स्कूल भी शामिल है। तीनों सेंटरों में 25-25 का टारगेट रखा गया था, जिसमें कुल 75 मॉक ड्रिल किया गया। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्कूल का स्वास्थ्य विभाग द्वारा मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें जिले के कलेक्टर निरीक्षण करने पहुंचे। पूरे देश भर में जो कोरोना टीकाकरण आगे चालू होना है, उसका आज मॉक ड्रिल रखा गया है, तो राजनांदगांव जिले उसमें शामिल है। और जिले में आज 3 वैक्सीनेशन सेंटर पे मॉक ड्रिल किया जा रहा है, जिसमें से एक बख्शी स्कूल है, दूसरा यहाँ शंकरपुर हाई स्कूल में है, तीसरा डोंगरगढ़ में है। और यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने देखा है, जैसा जैसा भारत सरकार से, राज्य शासन से जो निर्देश मिला था, उसके अनुरूप यहाँ पे पूरी तैयारी है। राज्य से प्राप्त निर्देश के अनुसार हम लोग 2 जनवरी को 3 सेंटर बनाए हैं जिले में। एक डोंगरगढ़ खालसा स्कूल और राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में शंकरपुर और गौरवपथ में पद्मलाल पन्नालाल बख्शी स्कूल, जहाँ पर हम लोग ने पूरी तैयारी की है। जिस तरह से वैक्सीन लगाए जाएंगे, पूरी लिस्ट तैयार है हमारे पास, और लिस्ट वेरीफाई करके उनको एक एक करके वैक्सीन लगाया जाएगा। उसके बाद 30 मिनट उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। मेल फीमेल के अलग कक्ष बनाया गया है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी वहाँ पर हमारे पास इमरजेंसी किट भी है, तत्काल हम उपचार करेंगे। बस्तर जिले में कोरोना वैक्सीन को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। ये मॉक ड्रिल जगदलपुर तोकपाल में दरभगा हाई स्कूल के में बने कोरोना सेंटर में किया गया, जिसमें प्रशासन द्वारा चयनित 25 लोगों को ही वैक्सीन लगाया जाना है। कोरोना वैक्सीन लगने की तैयारी का मॉक ड्रिल लगातार कुछ दिनों तक स्वास्थ्य विभाग करेगा।
आज हम लोग कोविड वैक्सीनेशन का मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं शासन के निर्देशानुसार। हमने जगदलपुर के लिए बस्तर हाई स्कूल जो सेंटर है उसको वैक्सीनेशन केंद्र के रूप में चुना है और यहाँ पर हमारा मॉक ड्रिल होगा आज। इसमें हम लोग एक सेंटर के लिए 25 हितग्राही का कोविन ऐप के माध्यम से चयन किया गया है शासन से। इसी तरह से और तोकापाल में भी तोकापाल हाई स्कूल सेंटर है टीकाकरण केंद्र। खबर में बेमेतरा से, जहां जिले के किसान सरकार और प्रशासन से बेहद परेशान है। आखिर में तंग आकर किसानों ने कलेक्ट्रेट दफ्तर का घेराव कर दिया। वहीं गुस्साए किसानों के बीच नारेबाजी करते हुए किसान नेता योगेश तिवारी पहुंच गए, जहां जिले प्रशासन के दफ्तर के सामने धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सहित घेराव कर लिया। बता दें कि किसान पिछले कई दिनों से बंद पड़ी धान खरीदी के मुद्दे के चलते नाराज है। इनकी मांग है कि सभी पंजीकृत किसानों का धान खरीदा जाए। वहीं किसानों कलेक्टर व एसडीएम के मौखिक आश्वासन के बाद ही 15 दिन के बाद पुनः घेराव करने की बात कही है। जिस किसान के पास बोरा नहीं है, बारदाना नहीं है, पिछले 2.5 साल से फटक रहे हैं धान मिंजाई, या 2.5 साल के ढाई महीने तो धान मिंजाई हो चुका है। आज किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा है, उनको टोकन नहीं दिया जा रहा है, हर जगह काला बाजारी है। सोसाइटी में जहाँ पे बारदाने की कमी की शिकायत आ रही है, हम और बारदाने की व्यवस्था करवा रहे हैं। लोगों में जहाँ भी परेशानी है उसको त्वरित हम निराकरण करवाएंगे, किसान को परेशानी नहीं आने देंगे। खबर रायपुर से, जहाँ मुख्यमंत्री के बयान पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा कि यह सरकार की बहानेबाजी है, नाकामयाबी है, धान खरीदना ना पड़े इसलिए मोदी जी पर मर रहे हैं। इस प्रदेश की जनता को और किसानों को ₹25 क्विंटल धान खरीदने का वादा किया था और अब इस पे उनकी जवाबदारी बनती है। देखिए, तो बहानेबाजी है उनका कि उनको धान खरीदना मत पड़े और इसलिए सारा दोष केंद्र शासन पर और मोदी जी पर मर रहे हैं। जब उन्होंने कहा है इस प्रदेश की जनता को और किसानों को कि 25 रुपया क्विंटल में धान खरीदेंगे, तो हर उनकी जवाबदारी बनती है कि वो व्यवस्था लोग दुरुस्त रखें और किसानों का धान 2500 रुपया क्विंटल में खरीदें। 2500 रुपया क्विंटल धान खरीदने के बाद तो उन्होंने कही थी, हम लोगों ने तो नहीं कही थी। अब उनकी जवाबदारी बनती है कि वो मतलब उसमें कायम रहे। जगदलपुर के बस्तर में पुलिस द्वारा नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां बस्तर आईजी रेंज सुंदर राज पी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए वर्ष 2020 की पुलिस उपलब्धियां गिनाई और रेंज की पुलिस के कार्यों की सराहना की भी की। इस दौरान उन्होंने पिछले 4 साल में आपराधिक आंकड़ों भी पेश किए और तुलनात्मक रूप से चोरी, एनडीपीसी अपराध, आवश्यक वस्तु अधिनियम, धोखाधड़ी सहित अन्य आपराधिक मामलों में कमी व शील भंग, लूट, बलात्कार, बलवा मारपीट में वृद्धि आने की जानकारी भी दी। में तैनात पुलिस एवं सुरक्षा बल का एक कार्य योजना रहा विश्वास विकास सुरक्षा, ये त्रिवर्णीय कार्य योजना के तहत नक्सल समस्या के समाधान की दिशा में लगातार कार्रवाई की गई थी। स्थानीय पुलिस बल के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसा CRPF, BSF, ITBP, SSB तमाम सुरक्षा बल द्वारा मिलकर बस्तर क्षेत्र में नक्सल समस्या के समाधान की दिशा में काम किए गए थे। इसमें काफ़ी सकारात्मक परिणाम को भी हमको देखने मिला। इस अवधि में 40 से अधिक माओवादी मारे गए थे और अलग अलग मुठभेड़ में नक्सली के काफ़ी कैंप भी रेड किए गए थे और विशेष तौर पर 14 से अधिक नया कैंप स्थापित करके नक्सल का जो कोर इलाका माना जाने वाले क्षेत्र में प्रवेश की गए थे और नक्सल के जो कॉरिडोर को हम बंद करने के लिए उनके सप्लाई नेटवर्क को उसको तोड़ने में काफी हम सफलता प्राप्त हुआ। कोडागांव जिले के ग्राम पंचायत अनंतपुर में विधायक व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मार्कम द्वारा शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पे कांकरे DIG डॉक्टर संजीव कुमार शुक्ला पहुंचे समेत क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सरपंच, ग्रामीण जन मौजूद रहे। आपको बता दें कि नवीन थाना अनंतपुर में 38 गांव के सम्मानित किया गया था। नवीन थाना के उप निरीक्षक जितेंद्र गुप्ता की प्रभारी नियुक्त किया गया है और पहले जिले में 11 थाने व एक पुलिस चौकी था, पर अब अनंतपुर थाना खुलने के बाद जिले में 12 थाने व एक चौकी है। वहीं कोडेगांव जिले के IPS पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने कार्यक्रम के दौरान सभी क्षेत्रवासियों को नवीन थाने के शुभारंभ पर नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी और साथ ही थाना संबंधित संक्षिप्त जानकारी भी दी।
भिलाईगढ़ नगर पंचायत में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए नगर पंचायत सीएमओ और कर्मचारियों पर मारपीट के विरोध में जिले के सभी नगर निकायों के अधिकारी और कर्मचारियों ने रैली निकाली और बलौदा बाजार कलेक्ट्रेट एसपी को ज्ञापन सौंपा और कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। बता दें कि भिलाईगढ़ पंचायत में सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा था। इस दौरान बीते दिनों अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर पंचायत सीएमओ सुशील कुमार चौधरी और कर्मचारियों पर नगर के ही कुछ पार्षदों और ग्रामीणों द्वारा जानलेवा हमला किया गया था। घटना हुई थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, उसके बारे में वहाँ के सभी नगरपालिका अधिकारी, जिले के बाकी नगरपालिका अधिकारी और उनके प्रतिनिधिमंडल उपस्थित हुए हैं। उन्होंने उस घटना के लिए कड़ा विरोध जताते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई है, तो जो कि कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा चुकी है और जो भी इसमें उचित जाँच के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा उस हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। पंचायत भिलाईगढ़ में सीएमओ और कर्मचारियों के साथ वहां के जो अतिक्रमणकारियों के द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान मारपीट किया गया, उस घटना का पूरे जिले की नगरी निकायों के समस्त अधिकारी कर्मचारी इस घटना की निंदा करते हैं। बहुत ही दुखद और अप्रिय घटना है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग शासन प्रशासन से करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी परखने के लिए पुरानी बस्ती स्थित सरस्वती प्राथमिक शाला में ड्राई रन का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली। वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों ने उन्हें बताया कि सबसे पहले जिन्हें वैक्सीन लगना है उनका पहचान पत्र देखकर रजिस्ट्रेशन किया गया। इसके बाद वैक्सीनेशन कक्ष में ले जाकर वैक्सीन लगाने के बाद प्रत्येक कक्ष में आधे घंटे तक निगरानी में रखने के बाद उन्हें केंद्र से जाने के लिए कहा गया। स्वास्थ्य मंत्री ने ड्राई रन में शामिल होने की बात की। उन्होंने अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया सटीक तरीके से संपन्न करने के निर्देश भी दिए। आज छत्तीसगढ़ में कोविड वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन किया जा रहा है। सभी राज्यों में इसको कैपिटल सिटी में करना था। हम अपने राज्य में, क्योंकि हमारा राज्य बहुत बड़ा है और अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां सब जगहों की, तो हम 7 जिलों में इसको कर रहे हैं, जिसमें सभी संभाग मुख्यालय प्लस राजनांदगांव और गौरेला पिंडरा मरवाही में हम इसको कर रहे हैं। हर जगह 3-3 सेशन साइट्स जो हैं डेवलप की गई हैं और हर सेशन साइट पर क्या कहते हैं 25 बेनिफिशियरी हमने रजिस्टर की हैं, जिनको हम वैक्सीनेशन के लिए जिनका ड्राई रन करेंगे। आज यहाँ पर ड्राई रन था, जिसमें जो रियल वैक्सीनेशन होने के पहले कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, इसके लिए हमने ड्राई रन किया। और जैसा कि पहले से ट्रेनिंग दी जा चुकी थी कि 5 लोगों की टीम बनेगी, यहाँ पे सबसे पहले वेरिफिकेशन होगा आईडी कार्ड से और उसके बाद अंदर जाके रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद हो सकता है ज़्यादा लोग आ जाएँ तो एक वेटिंग रूम था, उसके बाद वैक्सीनेशन जहाँ होगा वो और आधे घंटे उनको वेट करना है। बलौदा बाजार जिले में पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों की हड़ताल करने से पंचायत स्तर के कामकाज पूरी तरह बंद हो गए हैं। आपको बता दें कि जहां 26 दिसंबर से पंचायत सचिव काम बंद कलम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं, तो वहीं अब रोजगार सचिवों ने भी अपने 3 सूत्री मांगों के साथ 30 दिसंबर तक अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। पहले पंचायत सचिवों की हड़ताल और अब रोजगार सहायकों के द्वारा हड़ताल करने से पंचायत स्तर पर सभी कामकाज पूरी तरह से ठप हो गए हैं। जी, हम लोगों का मुख्य 3 मांगे हैं। पहले कि हमें नियमितीकरण कर वेतनमान निर्धारण कर नियमितीकरण किया जाए, और दूसरा मांग है जिस पंचायत का रोजगार सहायक या पंचायत को नगर निगम या नगर पंचायत में शामिल किया जाता है तो उस निकाय में उस रोजगार सहायक को उसमें सेवा दिया जाए या किसी रिक्त पंचायत में उनको सेवा दिया जाए। हमारे प्रदेश के मुखिया सम्माननीय तुलसी साहू जी के द्वारा परस्पर जो है संचालक महोदय, उप सचिव महोदय, पंचायत मंत्री और मुख्यमंत्री से संपर्क में बने हुए हैं। सरकार को चाहिए कि हम लोगों का जो मांग है, केवल पंचायत सचिव का तो एक ही मांग है कि केवल 2 वर्ष जो परीक्षा अवधि पूर्ण कर चुके सचिव हैं सबको शासकीकरण किया जाए। सरकार जो है, हम सरकार को ये मंच के माध्यम से और आपके मीडिया के माध्यम से चेतावनी देना चाह रहे हैं कि ये जो मांग है उनको ज़्यादा दिन तक ठगे मत सरकार। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां जिले में लगातार पलायन को लेकर शासन प्रशासन अपने दावे कर रहा है लेकिन उन्हीं मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा है, लेकिन जिले में लगातार गाँव वाले काम की तलाश में पलायन कर रहे हैं और मिर्ची तोड़ने आंध्र प्रदेश की ओर पलायन कर रहे हैं। वहीं गांव वालों का कहना है कि मनरेगा में समय पर भुगतान नहीं होने के कारण मिर्ची तोड़ने आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, जबकि शासन प्रशासन द्वारा ₹2000 रोजी में के तहत जिले में विभिन्न कार्य कराए जा रहे हैं, बावजूद ठेकेदार के माध्यम से लगातार पलायन की स्थिति बनी हुई है।
मैं अभी इधर से आ रहा था तो मैं देखा इन लोग आंध्रा प्लान कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सरकार घोषणा कर रही है कि हम बहुत काम दे रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि लगातार पब्लिक यहाँ से हजारों हजारों की तादाद में रोज़ दूसरे राज्यों में जा करके मजदूरी के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर रोज़गार की व्यवस्था नहीं की जा रही है। ना मनरेगा के कामों की बात करते हैं, ना DMF के कामों की बात करते हैं, सारे काम धरे के धरे रह गए हैं। ये निश्चित रूप से सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और हमारे सारे मजदूरों के लिए कि रोज़गार की व्यवस्था करना चाहिए, जिससे हमारे मजदूर लोग क्षेत्र छोड़ करके जाने के लिए मजबूर ना हो। खबर बिलासपुर से, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि कोटा बिलासपुर मुख्य मार्ग पर तीन युवक एक बाइक में सवार होकर कोटा से बिलासपुर की ओर जा रहे थे, तभी कोटा से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर पीपर तराई गांव के पास पीछे से आ रही कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि तीनों युवक मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। खड़ी तरफ से तीन लड़के जा रहे थे कहीं एक मोटरसाइकिल में, ड्रिंक किए हुए थे, और उधर से जन स्वास्थ्य विभाग शिवतराई बिंदावल से कोई महिला जा रखाई थी, उसको लेकर के शिवतराई के जन स्वास्थ्य वाले अपने ब्रांच गनियारी ले जा रहे थे, तो वही जो है ये पीपर तराई के आगे जो है टकरा गए रोड में, जिसमें तीनों का खत्म हो गया मौके पर। और कुछ और बाइक वाले को? हाँ, एक बाइक वाले और है कोई, वो जो एक सवारक चलाते है उसी के पिताजी है, तो उसको भी चोट लगा है, तो अभी अस्पताल चला गया है वो। खबर बालासोर से, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हो गया है। वही ट्रॉली में सवार 40 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वही प्राथमिक उपचार के बाद 7 घायलों को राजनंद अस्पताल में रेफर किया गया। आपको बता दें कि गुंडरदेही के पास ग्राम रधौ में से ट्रैक्टर से सवार होकर डोंडी लोहरा थाना क्षेत्र स्थित जमली पाटेश्वर धाम मंदिर दर्शन करने के लिए सभी जा रहे थे। वही घटना के बाद घटनास्थल में अफरा तफरी मच गई। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन, आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बालोद जिले के डोंडी थाना क्षेत्र के पुसवार गांव में 60 वर्षीय बुजुर्ग की आग लगने से मौत हो गई और गांव में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति बीते कई सालों से अपने परिवार से दूर एक पेड़ किनारे रहकर अपनी जिंदगी गुजार रहा करता था। सर्दी हो या गर्मी और भरी बरसात में भी अपने आशियाने से अलग से तैयार कर घर परिवार से दूर रहता था। फिलहाल डोंडी पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचनामा की कार्रवाई कर ली है, तो वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है।
जानकारी मिली थाने में आए थे जिनके द्वारा मर्ग इंटीमेशन कायम करके घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण किया गया, देखा गया कि एक बुजुर्ग जो करीबन 2-3 सालों से भर्री में रहकर ही वहां पे वक्त गुजार रहे थे, जो रात में ठंड होने के कारण आग जला करके सोए हुए थे, जिन्हें कि आग ऐसा लग रही परिस्थितियाँ देख करके कि आग शायद शरीर में लग गया या कपड़े में जलने से रात में ही खत्म हो गए हैं। जशपुर जिले के पतलाव गांव में पुलिस ने फर्जी आरसी व बीमा बनाकर चोरी की बाइक बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। आपको बता दें कि अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने दबोच कर आरोपी सरगना द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल, फर्जी आरसी और इंश्योरेंस बनाकर बेचने वाले मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। आरोपी मनोज सिंह क्रिमिनल माइंडेड है, इसका पुराना रिकॉर्ड भी जो है थाने में, और ये बच्चों से खासतौर पे जो नाबालिग बच्चे हैं उनको नशा करा के उनसे चोरी कराने की बात हमारे पास आई है। ऐसा कुछ भी सुनने में आया कि सर ये गाड़ियों के कागजात भी बनवाया करता था, इस तरह की बातें? ये जो है जो ग्राहक को बेचने के लिए एक फर्जी तरीके का जो है नकली आरसी बनाता था और उसके बाद फिर अगले ग्राहक को कन्विंस करके बेचता था। कोरे जिले के ग्राम पंचायत ढाढ़ा सोई के प्राकृतिक वन क्षेत्र में केकई नदी के तट पर भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग है। यहाँ शुभायु शिवलिंग लगभग त्रेता युग के समय का है। वहीं स्थानीय लोगों व मंदिरों के पुजारी ने बताया कि इस धार्मिक स्थल पर प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देती है। बालाद में वनांचल क्षेत्र डोंडी ब्लॉक में पर्यटन की दिशा में एक ऐसा स्थान है जहां प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, जहां ऊबड़ खाबड़ रास्ते पार करना पड़ता है, बावजूद इसके लोग वहां अपनी जिंदगी के कुछ पल बिताने प्रतिदिन पहुंचते हैं। हम बात कर रहे हैं आदिवासी बाहुल ब्लॉक डोंडी के जंगलों से घिरे कोट गांव की। पास स्थित जलाशय भी है जहां की सुंदरता देखते ही बनती है। इस जलाशय के पानी को बीएसपी में भी इस्तेमाल करती है और उसी के अंतर्गत आते हैं, जिसके कारण आज तक ना तो वहां पहुंचने वाले रास्ते का जीर्णोद्धार हो पाया है और ना ही पर्यटकों की सुविधा के लिए कोई इंतजाम। उक्त जलाशय में खास बात यह है कि दृश्य वाला जलाशय बालोद जिले के कहीं नहीं है। वहां पर पहुंचने वाले पर्यटकों का भी कहना है अगर जलाशय तक पहुंचने का मार्ग की मरम्मत कर दी जाए और जलाशय के किनारे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करने के साथ पर्यटकों को काफी सुविधा मिलेगी। जलाशय में बोटिंग की सुविधा लोगों को आकर्षित करेगी तो पर वहीं कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बेमेतरा जिले के नगर पालिका से महज 4 कदम की दूरी पर गरीब लोगों के लिए खाने और सोने ठहरने की उत्तम व्यवस्था के लिए लाखों रुपए रैन बसेरे की स्थिति बस से बदतर नजर आ रही है। नगर पालिका भवन में महज 4 कदम दूर ये रैन बसेरा मौजूद है। यहां से रोजाना नगर पालिका अधिकारी सहित अन्य अधिकारी गुजरते हैं, परंतु किसी ने भी वहां के मौजूदा व्यवस्थाओं की सुध लेने से फुर्सत नहीं है। आलम यह है कि रैन बसेरों की स्थिति को देखकर जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। रैन बसेरा जो है एक महिला समूह द्वारा संचालित होता है जी, और जैसे कि आपने मुझे कुछ चीज़ों का ध्यान आकर्षित कराया है जी, काल में उसको लिखवा लेता हूँ। बिजली संबंधी कुछ शिकायत बता रहे हैं जी, जी। पेयजल संबंधी तो पेयजल की वजह से वहाँ पूरा कंप्लीट है, बाद में थोड़ा प्रॉब्लम बता रहे हैं तो मैं उसको देख लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग उनकी पूरी हेल्प करते हैं और जैसे जो भी बताया गया है कि सीसीटीवी चल रहा नहीं है या फिल्टर नहीं चल रहा है तो हमने पता किया है। कल ही मुझे सूचना प्राप्त हुई तो हम उनको कहें एक लेटर दे दीजिए, फिर हम अपने अधिकारी को जाके इससे अवगत कराएंगे। सीसी कैमरा तो समय 5-6 महीने से बंद है। टीवी क्यों है बंद? टीवी भी वही समय से बंद है, हम लोग इसलिए नहीं बनवा पाए हैं क्योंकि हमारे पास बैलेंस नहीं है और मैडम को बोल बोल कर हम लोग थक गए हैं। कौन मैडम? कविता मैडम जी। तो बोलते हैं हाँ बनवाएंगे, फिर बोलते हैं कि आप अपने पैसे से बनवा लो, फिर हम लोगों को बिल दे देना और जो बनवाए उसका बिल अभी तक पैसा पैक नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग ना बनवाना छोड़ दिए हैं।
कोडागांव जिले के मर्दापाल थाना के अंतर्गत ग्राम अंडरवाल में एकली मध्य कच्चे मार्ग पर आईटीबीपी हेडली के संयुक्त टीम ने बीडीए की मदद से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक 7 किलो वजनी पाइप बम बरामद किए। एक दिन पहले ही उक्त क्षेत्र में संदिग्ध वायर दिखने पर सनसनी फैल गई थी। अंततः शाम को ढलने की वजह से बम नहीं निकाला गया, जिसके उपरांत तड़के सुबह ही बम को निष्क्रिय कर दिया गया। अपने को कि यहाँ पर छुईया के पास में एक रोड में एक एक्सीडेंट हुआ है करके, एक इको गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है और जो एक जिसकी मौत हुई है वो एक बाइक में था और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। एक्सीडेंट करने वाला जो है वो दतरंगा का रहने वाला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।